हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यहाँ पर डिलीट नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आप लोग यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डिलीट करते हैं तो डिलीट ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है जो अपने फ़ोन है ना उसको एक बार रिबूट कर लेना है, या तो फिर एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन डाउनलोड रहेगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को डिलीट करना है उस एप्लीकेशन को आप लोग जो है सर्च कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जिस भी एप्लीकेशन को आपको डिलीट करना है उसको आप इस तरीके से सर्च करिए और ओपन करिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है। तो जब आप लोग अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आप जो है अनइंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी एप्लीकेशन में आपको ये अनइंस्टॉल का बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जो एप्लीकेशन आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं उस एप्लीकेशन को आप ओपन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।